नमस्कार, मैं तनु जांगिड आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार देने और आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल करने आदि पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया था। यह पैक्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। भारत ने आज के दिन किया था सबसे भारी रॉकेट का परीक्षण। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 5 मार्च 2010 को नई पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था। इसरो द्वारा विकसित 3 टन भार वहन क्षमता वाला यह रॉकेट देशी रॉकेटों में अब तक सबसे भारी रॉकेट है। इसमें एयर ब्रीदिंग तकनीक युक्त स्क्रैमजेट इंजन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था। साउंडिंग रॉकेट का उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण 1963 में थुम्बा से किया गया था और इसी के साथ इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का आज के दिन हुआ था जन्म। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका गंगूबाई हंगल का जन्म 5 मार्च 1913 को हुआ था। उन्होंने ख्याल गायकी को पहचान दिलाने में महती भूमिका निभाई थी। किराना घराने की विरासत को बरकरार रखते हुए गंगूबाई हंगल ने तमाम सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए आधे से अधिक सदी तक उच्च स्तर के संगीत का सृजन किया था। गंगूबाई हंगल की आत्मकथा नन्ना बदू कीना हादू यानी मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित हुई है। इतालवी वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा का आज के दिन हुआ था निधन। एलेसेंड्रो वोल्टा के टेरेन भौतिकी वैज्ञानी और रसायनज्ञ, जिन्हें विद्युत बैटरी का आविष्कार और मीथेन के खोजक के रूप में श्रेय दिया जाता है। अपने आविष्कारों से वोल्टा ने साबित कर दिया कि बिजली रासायनिक रूप से उत्पन्न की जा सकती है। वोल्टा के आविष्कार ने बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक उत्साह बढ़ाया और दूसरों को इसी तरह के प्रयोग का संचालन करने के लिए प्रेरित किया। अंततः इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्षेत्र का विकास हुआ। 5 मार्च 1827 को उनके 82वें जन्मदिन के बाद एलेसेंड्रो वोल्टा जी की मृत्यु हुई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 5 मार्च दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों एवं भाइयों से सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग आसमानी बसंती तथा निषेध रंग पीला लाल। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग हैं। शुभ रंग सफेद नीला काला तथा निषेध रंग पीला सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। स्थानांतरण के योग हैं। आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग हरा लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिश्रम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा। आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल पीला सफेद। तुला, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है।
समय अनुकूल रहेगा, व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे, ऑफिस घर सभी जगह आपके लिए सुखकारक होगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद काला तथा निषेध रंग पीला गुलाबी। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। खान पान का ध्यान रखें, उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्च के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। बाहरी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें, लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग है। शुभ रंग बसंती सिलेटी तथा निषेध रंग का ही हरा। मकर, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है। डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी, कार्यशीलता में वृद्धि होगी, करियर में सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पैसा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में अनुकूलता के योग है। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। मीन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है, घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती सिलेटी तथा निषेध रंग हरा जामनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय, प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।